आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका गादिया सूरत से आपका जैन हिंदी ऑडियो बुक्स में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जिनेन्द्र बच्चों, आज क्या है? आज संडे है, तो आइए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। प्रतिष्ठित नगर के राजा प्रजापति को एक बार वृद्ध पुरुषों से चिढ़ हो गई। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, मेरे राज्य से सभी बूढ़े आदमी बाहर निकाल दिए जाएं। यदि कोई भी वृद्ध आदमी मेरे राज्य में पाया गया तो उसे मैं फौरन मृत्यु दंड दूंगा। बच्चों, राजा के इस अजीब और अविचार पूर्वक आदेश से सारी प्रजा सोच में पड़ गई। राजमंत्रियों ने राजा को बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया और नम्र निवेदन करते हुए बोले, महाराज, वृद्ध पुरुष हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनका आदर सर्वत्र किया जाना चाहिए, उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाना चाहिए, अतः आप कृपया अपना फरमान वापस ले लीजिए। एक बुजुर्ग राजमंत्री ने राजा को अन्य प्रकार से समझाते हुए कहा, राजन, बालक भोले और आनंदी होते हैं, युवकों में अतः उत्साह होता है और वृद्धों के पास उनके लंबे जीवन का अनुभव होता है। आनंद, उत्साह और अनुभव कि ये त्रिवेणी मानव जीवन में रस प्रवाहित करती है। इनमें से किसी भी एक का अभाव जीवन में से कोई एक मूल्यवान वस्तु कम कर देता है, अतः अपने अपने स्थान पर इन तीनों का महत्व है। बच्चों, राजा ने किसी की एक ना सुनी और वह चिढ़कर बोले, मेरे राज्य में बूढ़ों का कोई काम नहीं है, वह सब निकम्मे होते हैं, बैठे बैठे बस मुफ्त का खाते हैं। आप लोग जाइए, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। फिर बेचारे बूढ़े लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चल पड़े। उनके स्वजनों ने रोते रोते बड़ी दुख के साथ उन्हें विदाई दी। उस राज्य में एक युवक ऐसा था जो किसी भी प्रकार से अपने मन को समझा नहीं सका। वह अपने बूढ़े पिता को बहुत प्यार करता था, अतः वह उन्हें किसी भी हालत में निरादर नहीं छोड़ सकता था, चाहे उसे राजा के कोप का भाजन क्यों ना बनना पड़े। उसने अपने पिताजी को घर में ही किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रूप में छिपाकर रख लिया। बच्चों, एक दिन राजा को एक दूसरी धुन सवार हुई। उन्होंने मंत्री को कहा, मंत्रीवर, हमें एक राख का रस्सा चाहिए। मंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आप ये क्या फरमा रहे हैं महाराज, रस्सा और वह भी राख का? राजा ने कड़े स्वर में आदेश को दोहराया, कल शाम तक हमें राख का रस्सा मिल जाना चाहिए। विवश होकर मंत्रियों ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल शाम तक जो व्यक्ति राजा के सम्मुख राख का रस्सा पेश करेगा उसे आदर सहित इनाम दिया जाएगा। बच्चों, ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ लोग सोचने लगे, राजा शायद पागल हो गया है, भला कहीं दुनिया में देखा है राख का रस्सा? यह घोषणा उस युवक ने भी सुनी। रात्रि के समय पिताजी के साथ बातचीत करते हुए उसने इस बात का जिक्र किया। बूढ़े और अनुभवी पिता ने युवक से कहा, इसमें कौन सी मुश्किल की बात है, बेटा तुम ऐसा कर, एक बड़े से थाल में रस्सा रख और उसे जला दे। तूने यह लोकों की सुनी होगी कि रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, बस राजा को रस्सा मिल जाएगा। बच्चों, दूसरे दिन भरे दरबार में उस युवक ने राजा के सामने राख का रस्सा पेश कर दिया। यह देखकर राजा चौंक गया। वह सोचने लगा, इस युवक में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई,
हो ना हो, यह सोच किसी अनुभवी व्यक्ति का है। कुछ सोचकर राजा ने युवक से पूछा, हे नौजवान, सच सच बताना, यदि झूठ बोलोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा और सत्य बोलोगे तो मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। बच्चों, राजा से पूरा आश्वासन प्राप्त कर उस युवक ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपने उस सनक भरे आदेश पर पश्चाताप हुआ, जिनके कारण उन्होंने उस राज्य से तमाम बूढ़े व्यक्तियों को निकाल दिया था। पश्चाताप के भावों से भरकर राजा ने मंत्री को कहा, आप ठीक कहते थे, बड़े बूढ़े बहुत अनुभवी और उपयोगी होते हैं। अब आप एक घोषणा करवा दीजिए, राज्य के तमाम बूढ़े पुरुषों को आदर सहित अपने अपने घरों में लाया जाए। उस दिन से राजा को इस बात पर विश्वास हो गया, बूढ़ों की बात बड़ी। यही हमारे इस कहानी का सार है कि बूढ़ों की बात एकदम बड़ी और सही होती है। बच्चों, हमें उनका आदर सम्मान हमेशा करना चाहिए। ओम अरहम।